रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसका जवाब हम आपको देते हैं। अर्णब की ये गिरफ्तारी साल 2018 के केस में हुई है, जिसमें अर्णब पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल अर्णब गोस्वामी ने जिस व्यक्ति से रिपब्लिक टीवी का दफ्तर और स्टूडियो डिजाइन कराया था, उसने अपनी माँ के साथ मिलकर खुदकुशी कर ली थी। अन्वय नायक नाम के उस इंटीरियर डिजाइनर ने सुसाइड नोट में लिखा था कि अर्णब ने सारा काम करा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए और उसे मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उसे अपनी मां के साथ मरना पड़ रहा है। इस मामले में साल 2018 में मुंबई के अलीबाग पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इस बारे में अन्वय नायक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। और कुमुद मधुकर नायक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्व लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छोड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्णव गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्णव गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। वहाँ 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन की टीम उनसे भीख, पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे और मेरे सास, मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी FIR लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरे बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्णव गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्णव जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि ये ही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये FIR ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। अर्णब को IPC की धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाने और IPC सेक्शन 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं रिपब्लिक टीवी का दावा है कि ये केस पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन पुलिस ने कहा कि कोर्ट ने इस केस को दोबारा खोल दिया, जिसके बाद अर्णब की गिरफ्तारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।